आज का हमारा टॉपिक है स्केच दी सिग्नल। स्केच दी सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बीटेक एग्जाम, इवन गेट एंड आईएएस एग्जाम। तो मेक श्योर आप ये लेसन पूरा देखते हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन को दो मेथड से बनाने वाला हूँ। मेथड वन है स्टैंडर्ड कंसेप्ट, जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं एग्ज़ाम के लिए, ओके, या फिर आपने बुक्स पढ़े हैं, तो स्टैंडर्ड कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको ट्रिक भी प्रोवाइड करूँगा कैसे इस क्वेश्चन को ओरली आप बना सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको कोई भी बुक में नहीं मिलने वाली, इसलिए आप ये लेसन पूरा देखिए, ठीक है। दो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन के सामने, एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी जो कंटिन्यूस नेचर का है, और एक ये रेक्टेंगुलर सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड वन है और टाइम पीरियड आप देख सकते हो। आपको प्लॉट करना है एक्स ऑफ टू टी प्लस वन। तो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं मेथड वन। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे उन्होंने ये सिग्नल देख लिया एक्स ऑफ टू टी प्लस वन, तो यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है, टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग पहले वो करेंगे, उसके बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम स्केलिंग हो रहा है, तो टाइम स्केलिंग परफॉर्म करेंगे ताकि उन्हें फाइनल आंसर मिल जाए। तो ये है मेथड वन, कुछ भी बुराई नहीं है इस मेथड में, आंसर आएगा, बस आपका स्टेप बढ़ जाता है। स्टेप वन टाइम शिफ्टिंग, स्टेप टू टाइम स्केलिंग, तब जाके आपको फाइनल आंसर मिलता है, ठीक है। तो कर लेते हैं टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग कहाँ पे करना है, टी प्लस वन पे। तो एक्स ऑफ टी हमारे पास ये सिग्नल था, हम करेंगे टाइम शिफ्टिंग ताकि हमें मिल जाए एक्स ऑफ टी प्लस वन। अब यहाँ पे ऑपरेशन को आप अच्छे से देखेगा, अगर आपको निकालना है एक्स ऑफ टी प्लस वन, तो टी को चेंज कर दो टी माइनस वन पे। यस, यहाँ पे ऑपोजिट ऑपरेशन होता है। अगर आपका रिक्वायरमेंट एडिशन है तो आपको टी को शिफ्ट करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन में टी माइनस वन पे, ठीक है, अगर ये प्लस वन है। अगर माइनस वन ये आपका सिग्नल होता है एक्स ऑफ टी माइनस वन, तो टी कहाँ पे शिफ्ट होता है, टी प्लस वन पे। ऑपोजिट आपको परफॉर्म करना है। वैसे ही अगर मल्टीप्लाइड वर्जन है तो टी को डिवाइड करना है, अगर डिवीजन वर्जन है तो क्या करना है, टी को मल्टीप्लाई। आई गेस सब आपको ये समझ रहा है टेक्निक, ये है स्टैंडर्ड कंसेप्ट। तो कोई बात नहीं, एक्स ऑफ टी प्लस वन निकालना है, पॉजिटिव हमारा रिक्वायरमेंट है, तो ऑपरेशन क्या करना होगा, नेगेटिव। तो टी को शिफ्ट कर दो टी माइनस वन पे, तो माइनस वन माइनस वन, देखो आंसर मिल गया, ओके। तो यहाँ पे अब टाइम शिफ्टिंग तो हो चुका है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टाइम स्केलिंग, क्योंकि हमें चाहिए एक्स ऑफ टू टी प्लस वन। तो अब देखो टी कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, टू टी पे, मल्टीप्लाइड है, तो हमारा ऑपरेशन क्या होगा, डिवीजन, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, डिवीजन का। रिक्वायरमेंट डिवीजन है तो ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। रिक्वायरमेंट प्लस है तो ऑपरेशन नेगेटिव, रिक्वायरमेंट नेगेटिव है तो ऑपरेशन प्लस। ये बहुत ही सिंपल सा टेबल है, इसे आप याद रख लेना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमने डिवीजन कर लिया है, तो ये आ गया फाइनल आंसर। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था, मैं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं ट्रिक लाया हूँ। अब ये ट्रिक क्या है, गिवन सिग्नल है एक्स ऑफ टी, हमें निकालना है एक्स ऑफ टू टी प्लस वन। तो क्या करना चाहिए, ये जो रिक्वायरमेंट है टू टी प्लस वन, इसे कन्वर्ट करो इन टी। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो पहले मुझे सब्ट्रैक्शन करना होगा माइनस वन से, क्योंकि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ टू टी प्लस वन माइनस वन, तो क्या बनता है, टू टी। फिर अगर मैं डिवाइड बाई टू करता हूँ तब जाके मुझे टी मिलता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, एक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वन और फिर है डिवीजन ऑफ टू, ओके। तो ये मेरा कंक्लूजन है, न्यूमरेटर में माइनस वन, डिनोमिनेटर में टू, ओके, कंक्लूजन समझ आ गया। अब जो गिवन सिग्नल है उसमें वही ऑपरेशन परफॉर्म करो, सब्ट्रैक्शन विथ वन डिवीजन बाई टू, सब्ट्रैक्शन विथ वन डिवीजन बाई टू, हो गया आपका आंसर, एज सिंपल एज दैट। अगर ये ट्रिक आपको समझ आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ओरली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, ये एक ट्राइंगुलर सिग्नल है, आपको प्लॉट करना है माइनस टू टी प्लस थ्री। तो अगर मुझे चाहिए माइनस टू टी प्लस थ्री, इसे पहले कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ टी। कैसे होगा, पहले सब्ट्रैक्शन विथ थ्री करना होगा, ऐसा करने पे मुझे मिलेगा माइनस टू टी, फिर सब डिवीजन ऑफ माइनस टू करना होगा तब मिलेगा टी, राइट। यहाँ पे मैंने दो ऑपरेशन परफॉर्म किए, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ माइनस टू, बस यही करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री डिवीजन ऑफ माइनस टू, सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री डिवीजन ऑफ माइनस टू। आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस सिक्स ओवर माइनस टू विच इज़ थ्री, यहाँ पे आंसर आ रहा है टू ओवर माइनस टू विच इज़ माइनस वन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, ये वाला टाइम राइट हैंड साइड वाला टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला टाइम हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। बट ये ट्रिक इस्तेमाल करने के बाद क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पॉजिटिव और राइट हैंड साइड में टाइम नेगेटिव, ये तो रॉन्ग आंसर आ गया। एक्चुअली ये रॉन्ग नहीं है, ये पार्शियली राइट आंसर है। अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, मिरर, मिरर करने पे सभी चीज़ें सही जगह आ जाएगी। मिरर करने के बाद ये टाइम आ जाएगा यहाँ पे, ये टाइम चला जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, तो मिरर करने के बाद चीज़ें सही हो जाएगी। तो यही था इस क्वेश्चन का एसेंस, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ट्रिक का इस्तेमाल करते वक्त कभी कभी चीज़ें रॉन्ग साइड में चले जाती है, जैसे यहाँ पे टाइम इज़ ऑन दी रॉन्ग साइड, नेगेटिव साइड में हमारा टाइम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और पॉजिटिव टाइम पर हमारा टाइम नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, मिरर कर दिया ताकि सभी चीज़ें सही जगह आ जाए। तो मिरर करने के बाद आप देख सकते हो कि नेगेटिव साइड में नेगेटिव टाइम, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव टाइम, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इस्तेमाल कीजिए। करना क्या है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, उसे कन्वर्ट करो टी में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, दिस इज श्रेनिक जैन, पीस आउट।